स्वयं तुलसी ने जब लिखने का मौका आया श्री रामचरितमानस में तो तुलसीदास ने लिखा कि भारद्वाज ऋषि बसाई ही प्रयागा, भारद्वाज ऋषि बसावन ही प्रयागा, तहां के लोग सकल बड़भाग। तो ऐसे सकल बड़भाग के लोग जो प्रयागराज की भूमि पे हैं, सबसे पहले इस भूमि को इन सभी साधु को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पे बैठे गुरु की महिमा में क्या कहा जा सकता है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने लिखा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। यहां साक्षात तीन लोग सृष्टि का निर्माण में ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कही गई। और वहीं जब लिखने पे आए ऋषि लोग हमारे, तो उन्होंने कह दिया कि गुरु उनसे भी बड़ा, कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री गुरु। तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथी भाई हर रोड पे, हर मौके पे साथ चलने वाले, साथ देने वाले, साथ निभाने वाले ऐसे आदरणीय हमारे साथी भाई संतोष पांडे जी, माननीय विधायक लंबुआ से, हमारे प्रतापगढ़ से आए हुए आदरणीय ब्लॉक प्रमुख विनोद दुबे जी, परम आदरणीय देवेंद्र मिश्र जी, हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख पूर्व ब्लॉक प्रमुख त्रिपाठी जी, परम आदरणीय बाबा त्रिपाठी जी, संचालन कर रहे द्विवेदी जी, आज जिनके आयोजन पे, जिनकी मोहब्बत में, जिनके बुलावे पे हम और संतोष भाई, तो सब नाम है, सच पूछिए तो आप जिनकी मोहब्बत में आए ऐसे परम आदरणीय रमेश चतुर्वेदी साहब, हमारे साथ आए बैठे भाई अभिषेक जी, सुमेश जी, त्रिपाठी साहब, रिंकू जी, मधुकर जी ने अपनी बहुत शानदार बात रखी, विकास अलाहाबादी साहब ने अपनी बात रखी, आदरणीय भाई बंधु जी, हमारे बाहर के साथी आए हुए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत सारे साथी हम लोगों को मिले, वो साथी बड़े विद्वत जन, ब्राह्मण जन जो है आज यहाँ बैठे हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो आप सबको डॉक्टर अभिषेक मिश्र का सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। परम, मैंने बोला देवेंद्र मिश्र का नाम लिया, बिल्कुल नहीं, परम आदरणीय देवेंद्र मिश्र का पुनः। साथियों आज हम और आप जब इकट्ठा हुए हैं तो मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं, नीरज जी की लाइनें थी कि पड़ गई है आदतें बातों से सर होगी नहीं। अभी शुक्ला जी जो बात कह रहे थे उसी बात को दोहरा रहा हूं कि पड़ गई है आदतें बातों से सर होगी नहीं, कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं। अब हंगामा जरूरी है क्योंकि लोग बदलने को तैयार नहीं हो रहे। जहां पे हमने आपने ला करके समाज को खड़ा किया, ये ऐसी पावन भूमि है जहां पे आप अगर ब्राह्मणों का नाम लेना शुरू करें तो एक सर गंगानाथ झा का नाम याद आता है, प्रोफेसर रामचंद्र दत्तात्रेय का नाम याद आता है, परम आदरणीय पंडित डॉक्टर उमेश मिश्रा और रमाशंकर शुक्ला जी का नाम याद आता है। इस भूमि ने ऐसे ऐसे विद्वत जन दिए, ऐसे विद्वान दिए, ऐसे बड़े बड़े ब्राह्मण कुल के लाल दिए जिन पे आज हम और आप अगर फक्र करें तो सीना चौड़ा होता है, छाती चौड़ी। लेकिन आज अगर सवाल उठाए गए हमारे आपके बीच में, अभी एक बात कही गई मन से आदरणीय एस एन शुक्ला साहब, शायद पूरा नाम लिखते हैं, शुक्ला जी ने कही अपनी बात। मैं आज आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरे जोर शोर से, पूरी ताकत से, पूरे भाव के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना चाहूंगा कि मैं उस बात का खंडन करता हूं, ये सच नहीं है। और मुझे आश्चर्य हुआ शुक्ला जी ने कह दिया कि कोई ब्राह्मण विधायक, सांसद, मंत्री हमारी बात रखने को तैयार नहीं है। अरे हम लोग संतोष पांडे सुल्तानपुर से चल के, अभिषेक मिश्रा लखनऊ से चल के, विनोद दुबे आपके प्रधानमंत्री से चल के, जो साथी यहाँ खड़े हुए हैं, तो मैं इतना आपको विश्वास दिला सकता हूं कि किसी लालच में नहीं खड़े हैं। हम अगर आए हैं तो आज अपने समाज की बात करने आए हैं और ये आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, कोई मंच होगा, कोई लालच हो, कितनी बड़ी बात हो, कितनी बड़ी कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी, जहां समाज की बात आएगी, जहां अपने कुल की बात आएगी, जहां अपने सम्मान की बात आएगी, जहां अपने भाई के सम्मान की बात आएगी, जहां उसके काम की बात आएगी, वहां अभिषेक मिश्रा, संतोष पांडे पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये चैलेंज है मेरा, उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। आज तक क्यों नहीं किया लोगों ने ये काम? इसलिए नहीं किया, उसका जवाब देता हूं आपको,
वो इसलिए नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं ये लालच था कि अगर खुल के अब किसी एक की बात करेंगे तो बाकी का क्या होगा, वोट तो सबका चाहिए। मैं इतना मानता हूं कि जिसके साथ अपना नहीं है उसके साथ दूसरा कभी खड़ा होने वाला नहीं। इसे हमने दो भाइयों ने बोला है काम करेंगे, खुल के बात करेंगे, जो कीमत चुकानी होगी उसकी कीमत चुकाने को तैयार है। जहां तक क्या बड़ा नुकसान, हमें कोई क्या नुकसान मिलेगा? अरे हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, अपने भाग्य पे अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं। ब्रह्मा का लिखा हुआ भाग्य को बदलेगा हमारा आपका? किसी में ताकत है जो ब्रह्मा का लिखा भाग्य बदल देगा? तुलसीदास ने आगे लिखा रामायण में, श्री रामचरित मानस में उन्होंने लिखा, अगर किसी एक को ताकत दी गई है ब्रह्मा का लिखा भाग्य बदलने की तो वो दी गई है श्री शंकर को। भाव ही मेट सकल त्रिपुरारी, भगवान शंकर के अलावा कोई भाग्य नहीं बदल सकता। वो भोलेनाथ है वो अलग बात है, लेकिन उनको तो हम लोग साथ ही मिला के चलते हैं। कोई हमारा आपका भाग्य नहीं लिखेगा, कोई हमारा आपका भाग्य नहीं तय करेगा। जो लिखवा के लाए हैं और जो हमारा कर्म और परिश्रम होगा उसी का हमको फल मिलेगा। किसी के डरे कुछ नहीं होगा। अगर कोई और नेता होता तो जो जितना झुकना जानता है वो आज दुनिया का बादशाह होगा, लेकिन दुनिया के बादशाहियत कभी झुकने वालों ने नहीं की। दुनिया के बादशाहियत कभी भी हाथ जोड़ने वालों ने नहीं, दुनिया के बादशाह ये जब की है उसने की है जो आंख में आंख मिला करके लड़ना जानता हो और जिसको सही समझता हो वो तो कहना जानता है। किसी ने कहा था बहुत सुंदर कि लेने से ताजो तख्त मिलता है, लेने से ताजो तख्त मिलता है और मांगे से भीख भी नहीं मिलती। और जब तक ऊंची ना हो जमीर की गौ, बबलू भाई साथ में उन्होंने जो बात लिखी कैसे किसको मिलता है ताजो तक, उन्होंने लिखा कि ताजो उसको मिलेगा कि जब तक ऊंची ना हो जमीर की लौ, आपका कॉन्शियंस, आपकी वर्चुअस, आपकी विजडम, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी विद्वत्ता, आपका त्याग, आपका तप, आपका शौर्य, जब तक ऊंची ना हो जमीर की लौ आंख को रोशनी नहीं मिलती। आंख को रोशनी ये आप अगर उदाहरण उठा के देखिए जो हमारे शास्त्रों ने लिखा, किसी के में बात नहीं कर रहा, किसी में कमेंट नहीं है, सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूं बात कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने राजपाट अपना स्थापित किया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ का मन बनाया और रासू यज्ञ के लिए अश्वमेध घोड़ा छोड़ दिया अश्वमेध यज्ञ के लिए। और उस घोड़ा जब चलता रहा चलता रहा, लोगों ने सोचा कि जहां जाएगा, उसकी घोषणा थी कि जहां जाएगा वो जमीन प्रभु श्री राम की, और उसको बांधने का काम किया तो दूध ने बालकों ने किया, लव और कुश ने बांध लिया। उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं देते जमीन, हमारे तो गुरु की, हमारी गुरु माता की है, हम नहीं देंगे जमीन। और उसके बाद जो हुआ वो कई बार आपने सुना होगा, लिखा होगा। मैं वहां नहीं ले जाना चाह रहा आपको, मैं दूसरी जगह ले जाना चाह रहा हूं। वही जब परशुराम ने धरती जीती, जब भगवान परशुराम ने धरती जीती और लोग कह रहे थे अज्ञानी असमझ और इजाजत है तो गुरु जी बैठे मन से, फिर भी तुम बेवकूफ लोग ये कहते हैं कि छत्री विहीन कर दी थी, छत्री विहीन नहीं अधर्म विहीन की थी भगवान परशुराम ने। धर्म और अधर्म में बड़ा अंतर है, सही और गलत में जो अंतर है, और सही कहने के लिए बड़ी ताकत चाहिए होती। कमजोर आदमी कभी सही और गलत की बात नहीं करता, हमेशा ताकतवर ही सही और गलत के अंतर की बात रहेगी। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, दिनकर ने लिखा। जब भगवान परशुराम ने अधर्मियों को मारा, नाश किया, और जब पूरी धरती जीत ली उन्होंने तो कश्यप ऋषि को बुलाया और पूरी की पूरी धरती का राज दान दे दिया और कहा इसको ठीक नियम और नीति से चलाना, मैं चला अपना तप करने। ये ब्राह्मण का कैरेक्टर था, सब कुछ लेकर के जीत करके दान देना अगर कोई कर सकता है, कोई दानी है, अगर किसी ने सबकी बात की, सब समाज की बात की, तो ब्राह्मण ने की जब की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की बात अगर लिखी तो हमारे ऋषियों ने लिखी, पंडितों ने लिखी, ब्राह्मणों ने लिखी। ब्राह्मण वो दीपक है जो जहां रहेगा उजाला फैलाएगा और एक दूसरे से वो उजाला फैलाने का काम तो करेगा लेकिन एक दूसरे से जलेगा नहीं। कोई दीपक दूसरे दीपक से नहीं जलता,
कि ये तो बहुत रोशनी फैला रहा है, मैं भी फैला दूं या मैं कम फैलाऊं, इसको बुझा दो। वो जो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा आप प्रज्वलित कर सकते हो, वो फैलाने का काम करेगा, दबने का काम नहीं करता। मैं आज अपने साथियों से संतोष ने इस बात पे बात की थी, मैं आज आप सबसे एक वादा लेके जाना चाहता हूं, एक वचन लेके जाना चाहता हूं, एक आशीर्वाद मांगने आया हूं, बाकी कुछ नहीं मांगने आया आपसे। अभी भाई रमेश जी ने बताया, हम लोग बॉम्बे अभी दो दिन पहले बॉम्बे थे, शानदार कार्यक्रम किया हमने। मुझे चैलेंज है, आप जिन साथियों ने नहीं देखा मैं कहूंगा जरूर कोशिश करना, कहीं ना कहीं आपको नेट पे मिल जाएगा। 32 साल से लोग आए थे वहां, जिन्होंने कहा हम संतोष भाई मनोकर मिल गया, आज भी मेरे फोन में SMS है। एक बहुत बड़े व्यापारी है, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बंबई के ब्राह्मणों में मुझे लगता है सबसे बड़े आदमी होंगे वो। उन्होंने कहा 32 साल से मैं मुंबई में, 32 साल में SMS है, अगर हम देखो तो SMS दिखा दूं आपको अभी, कि 32 साल से मैं बंबई में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा था और मैं देख रहा था और बुलाया जा रहा था और जा रहा था, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी ब्राह्मण सम्मेलन नहीं देखा जैसे आप दो भाइयों ने आकर के यहां देखा। जो विचार हमने बनाए, जो सोच, प्रतीकों की बड़ी ताकत होती है। आज आपने देखा भगवान राम जन्मभूमि के नाम पे, उसे एक प्रतीक के नाम पे कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। एक प्रतीक है आपके अगर संगम, जिसके नाम पे पूरी दुनिया आदमी इकट्ठा होता है। एक प्रतीक ताजमहल है, अगर आप याद करें मोहब्बत के प्रतीक के बारे में दुनिया आती है। अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो उन्होंने कहा आगरा जरूर जाना है, ताजमहल जरूर देखना। उसी तरीके का प्रतीक एक स्थापित करने का हमने भी संकल्प लिया है, भगवान परशुराम की 108 फीट की मूर्ति लगाएंगे, जिससे ब्राह्मणों को एक प्रतीक मिले, एक चिन्ह मिले, एक ब्रह्म तीर्थ डेवलप हो, जहां ब्राह्मण जाए और कहे हाँ देखो हमारी निशान से कोई नाम लेने वाला है। बच्चों की उसकी बात रखी संतोष भाई ने, इसी तरीके हम लोग एक काम और करना चाहते हैं, उसी में जोड़ रहा हूं, वो है चाणक्य चेंबर ऑफ कॉमर्स। कि जो हमारे लोग व्यापार करते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, वो एक दूसरे को जाने, मिले और पहचाने और एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे के साथ काम करें। अगर 10 रुपया किसी को आपको देना है प्रॉफिट में, तो अपने भाई के घर चला जाए तो क्या बुराई, किसी घर तो जा ही रहा है। जिसके साथ भी आप काम करोगे, अगर ये पानी की बोतल खरीदेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन होगा ही होगा, वो जाएगा उसके घर। साथियों आज मैं आपसे सिर्फ एक बात की अपील करने आया हूं, ये काम तो हम करने जा रहे हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता। बहुत लोगों ने कहा भैया इनसे पूछ लो, भैया उनसे पूछ लो, संतोष भाई से भी कहा, हम लोग से भी कहा, भैया यहां ये ना हो जाए, वहां वो ना हो जाए, कोई नाराज ना हो जाए। हम लोगों ने कहा अगर कोई इस बात पर नाराज होता है तो ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा, उसकी नाराजगी सर आंखों पे, लेकिन समाज का काम नहीं छोड़ेंगे। जिसको नाराज होना होता है, जिसको खुश होना होता है, अपना काम करने निकले हैं तो करके दिखाएंगे, और इस विश्वास से निकले हैं कि नराहें सख्त होती हैं न मंजिल दूर होती है, नराहें सख्त होती हैं न मंजिल दूर होती है, बस घर छोड़ के तेरे निकलने की देर होती है। हम लोग निकल पड़े हैं छोड़कर और करके दिखाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपसे इतना मांगने आया हूं कि आज के बाद कोई भी साथी जितने यहां बैठे हैं उनसे दो चीजें मांग रहा हूं। एक तो ये कि घर जाकर के आप सब अपने परिवारों में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने स्वजनों में, अपने स्नेहियों में, अपने मोहल्ले वालों में जो होंगे उनसे इस कार्यक्रम की चर्चा जरूर करोगे कि ब्राह्मणों का एक नया मुहिम तैयार हो रहा है, आपको इसके साथ जुड़ना। बोलो वादा करने को तैयार है सब? और दूसरा वचन ये मांगने आया हूं, उसके लिए निवेदन करूंगा कि दोनों साथी हाथ, सारे साथी दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देंगे। अभी नहीं, पहले सुन लो, जो मांग रहा हो मांग तो लेना, तो तब देना, यही ब्राह्मण की प्रवृत्ति है, जो चाहो ले लो, पैर छोर मौज करो, आशीर्वाद जो चाहो ले लो, मत दीजिए ऐसे। दूसरा ये मांगने आया हूं कि आज के बाद कोई भी अपना साथी, कोई भी अपना ब्राह्मण भाई किसी दूसरे ब्राह्मण के लिए बुरी बात नहीं कहेगा, उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, एक दूसरे को छोटा नहीं कहेगा, और कभी अपने बच्चों को ये कहानी नहीं सुनाएगा कि एक बड़ा गरीब ब्राह्मण था। अब कहानी सुनाओ तो ये सुनाना, एक बड़ा मजबूत ब्राह्मण था, बड़ा धनाढ्य ब्राह्मण था, बड़ा ताकतवर ब्राह्मण था, बड़ा ओजस्वी ब्राह्मण था, बड़ा तेजवान ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानवादी ब्राह्मण था, ऐसा ब्राह्मण सेठ था जिससे राजा भी उधार लेकर के तब लड़ाई लड़ा करता था। ऐसी कहानी सुनाना, ये आपसे मांगने आया हो, अगर दे सकते हो तो दोनों हाथ उठा करके ये आशीर्वाद दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपका प्यार, आपका मोहब्बत, आपकी
संबल नहीं हम लोगों की ताकत है। आप लोग अच्छे देर से आए, आपने हम लोगों को बुलाया, हम भाइयों को हम सबको इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, इसके लिए हम लोग बहुत शुक्रिया गुजार है आपके। और बबलू भाई तो कलकत्ता से चल के आ गए, उनको दोबारा धन्यवाद देता हूँ। गुरु जी ने आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हम लोग को बॉम्बे में भी मिला, यहाँ भी मिला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और इतना कहकर एक बात खत्म करूंगा कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान हमारे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय परशुराम, जय परशुराम। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।